और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तमाम तैयारियों में जुटी है। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। हालांकि शीर्ष नेतृत्व काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब साबित हुआ है। वहीं अब 6 सितंबर को विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और भाजपा की घोषणा पत्र जारी करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया जाएगा, यानी आज दोपहर में संकल्प पत्र भी जारी होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार जम्मू दौरे के पहले दिन गृहमंत्री प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप से बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों, जमीनी स्तर पर गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को कामयाब बनाने के लिए प्रशासन की तैयारियों और तमाम सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भी बैठक ले सकते हैं। चुनावी बिगुल बज गया है और ऐसे में बीजेपी की ओर से आज संकल्प पत्र भी जारी कर दिया जाएगा और क्या कुछ मैनिफेस्टो में होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा और चुनाव की तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय है जब संकल्प पत्र जारी होगा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत 40 नेताओं का नाम शामिल है। तो जम्मू कश्मीर में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। गृहमंत्री अमित शाह आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, पूरी कमर कस ली गई है और पूरी तैयारी है, पूरी रणनीति बन गई है। आज संकल्प पत्र जारी होने वाला है और 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी इस बीच जारी हुई है। वो तमाम नाम शामिल हैं जो बड़े दिग्गज माने जाते हैं बीजेपी। बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी, देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चालक कहे जाते हैं, आज वो जम्मू में 3:30 बजे जो चुनावी घोषणा पत्र है, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र कहती है, उसे जारी करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि देखिए पहली बार 370 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल कर सकती है अपने संकल्प पत्र में। और साथ ही अगर देखा जाए तो देखिए स्टार प्रचारकों की भी जो देर रात जारी की गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े स्टार लोग इसमें है। 40 लोगों का नाम शामिल किया गया है जो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिसाब कर दिया था कि जहां उसे लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और जहां पर निर्दल उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जो बीजेपी की विचारधारा से जिसकी विचारधारा निर्दल उम्मीदवार की मिलती होगी उसे बीजेपी सपोर्ट करेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो यह तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखना होगा कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता किसे पसंद कर रही है। जी अच्छा, सीटों के समीकरण को लेकर तमाम जो दिग्गज नेता है वो लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं राजीव, और उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो अगली सरकार अब बनने वाली है भाजपा की, यहाँ पर मुखर होकर कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों की सरकार होगी, राष्ट्र विरोधियों की नहीं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि इस बार जो घाटी में जो सरकार बने, जम्मू कश्मीर में जिसकी सरकार बने, उसमें बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की हो। भारतीय जनता पार्टी यह टारगेट करके चल रही है कि हम जितने सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं सभी कैंडिडेट जीतेंगे और जो निर्दल जो जीतेंगे वो हमें समर्थन देंगे, क्योंकि जिन सीटों पे, जिन विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतार रही है वहां पर निर्दल उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक तरीके से जो चुनाव रही है, क्योंकि देखिए चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उसके पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर सकती है, किसी राजनीतिक दल के साथ, जिसमें गुलाम नबी आजाद का नाम चल रहा था,
इनके साथ भी वो लगातार तमाम बातें सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है तो माना जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की अगर माना जाए, जो वहाँ के प्रभारी हैं तरुण चुप की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा कि क्या होता है इस बार, जनता किसे पसंद करती है, क्योंकि 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में एटमॉस्फियर बदला है, जो तमाम डेवलपमेंट के काम हुए हैं, ये सब चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे, रणनीति पूरी तैयार कर ली गई है। साथ ही दोपहर 3:30 बजे का फिलहाल वक्त है जब संकल्प पत्र भी जारी किया जाएगा।